प्रणाम दोस्तों, मैं सुनील रावत एक बार फिर से अपने नए ब्लॉग में। और आज है महाशिवरात्रि, तो शिवरात्रि की आप लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ। भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। तो घर वालों ने बहुत सारी तैयारी कर चुके हैं महाशिवरात्रि की, और मैं अभी आपको दिखाता हूँ और आपको भोलेनाथ के मंदिर भी लेके चलता हूँ। तो हमारी बच्चा पार्टी भी तैयार हो गई है और हमारी फैमिली भी तैयार हो गई, तो हम चलते हैं मंदिर की ओर। और पहले मैं आपको बता देता हूँ कि घर वालों ने क्या क्या तैयारी कर रखी है। तो लेके हमारी भाग्यवान है, इन्होंने स्टार्ट कर दी है पूजा, और इन्होंने बहुत सारी तैयारी भी कर रखी है बच्चा पार्टी के साथ। मैं भी आपको दिखाता हूँ कि भगवान भोलेनाथ को बेर केले और संतरे का फूल लग चुका है, और इधर हमारे कान्हा जी हैं जो अपने स्थान में विराजमान हैं, उनको नहला धुला के बिल्कुल भाग्यवान ने मतलब पूजा वूजा करके तैयार कर रखा है भोलेनाथ जी का। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, सितु मात स्वामी सखा हमारे, पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम हरे 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 महादेव, चतुर्भुजदशप्रभुतारं संसारसारं भुजेन्द्रवरं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तुमेव माता पिता, तुमेव तुमेव बन्धुजगा, तुमेव तुमेव विद्याधरं, तुमेव तुमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गोपाल की जय, बाजी बजा की जय, विजय श्री महादेव हर हर महादेव। जय भोलेनाथ दोस्तों। तो आज शिवरात्रि, और शिवरात्रि की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और भगवान आपको खुश रखे और हमें भी। और हम जा रहे हैं मंदिर, और मंदिर के लिए हमने रख दिया है धूप, क्या कहते हैं, शहद, दही, चावल, फल, सारा कुछ तैयार हो गया। और अब हम चलते हैं मंदिर, पूरी फैमिली जा रही है हमारी मंदिर में। हाँ। तो इसको हम ढक देंगे और चलते हैं मंदिर। हाँ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब हम चलते हैं मंदिर की ओर, आप वीडियो पे बने रहिए और अंत तक जरूर देखिए वीडियो को। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बोलो जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। चलो आ जाओ, चलो अब चलते हैं मंदिर की साइड। ये बच्चा पार्टी राम राम बोलो, शिवरात्रि। तो दोस्तों, पहुंच चुके हम शिव मंदिर। ये हमारे एरिया का सबसे पुराना प्राचीन शिव मंदिर है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आए रहते हैं। इस बार उन्होंने काफ़ी बढ़िया कर रखा है, मतलब कम कम करके अंदर भेज रहे हैं, तीन तीन चार चार लोग, ताकि वहाँ पे अंदर भी ज़्यादा भीड़ ना हो सके। और गेट पे भी एक बंदा लगा रखा है, लाइन भी काफ़ी बड़ी है। वैसे इस एरिया का बहुत ही प्रसिद्ध और प्राचीन शिव मंदिर है। सारे नियरेस्ट के यहीं पे आते हैं, जिस दिन शिवरात्रि या मंदिर का कोई भी कार्यक्रम होता है यहीं पे आते हैं। और हम तो यहाँ पे बहुत बार आते हैं, ये हमारे घर से बिल्कुल पास ही है। काफ़ी सारी लंबी लाइन लगी हुई है, हमारा बच्चा पार्टी भी यहाँ लाइन में लगे होंगे। इस साइड बच्चा पार्टी लाइन में लगी हुई है, और अब चलते हैं अंदर की साइड, तो हम भी लाइन में लग जाते हैं।
राजवीर रावत घंटी बजा रहे हैं। पहुंच चुके हैं हम भोलेनाथ के दर्शन करके। मंदिर में पानी चढ़ा दिया था, दूध चढ़ा दिया था और जो भी सामग्री थी वो चढ़ा दी थी बच्चों के साथ। मतलब वहाँ पे बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। तो अब तो थोड़ा सा हमारा तो फास्ट है नहीं, तो हम थोड़ा खाना खा लेते हैं। बच्चे हमारी छुटकी का भी नहीं है ना फास्ट, मैं और छुटकी खाना खा लेते हैं। आ छुटकी, मैं और छुटकी खाना खा लेते हैं ना। छुटकी, आपको थकान भी नहीं लग रही है? ठीक है चुके साथ। अब यहाँ पे शाम की पूजा स्टार्ट होने वाली है, तो घर वालों ने बहुत सारी तैयारी कर चुके हैं। मतलब खाना वाना काफी सारा बना दिया है और सारे लगभग सबका ही फास्ट था। मेरा छुटकी का एंड दिव्यांशी का नहीं था, बाकी सबका फास्ट था। तो सबको मतलब भूख लग रखी है थोड़ी थोड़ी। तो यहाँ पे शाम की पूजा कर चुके हैं घर वाले और अभी भजन आरती गाएंगे। तो यहाँ पे भोलेनाथ जी को भूख लग चुका है और दिया धूप भी लगा दिया है धर्मपत्नी जी ने, भाग्यवान। और अब आगे यहाँ पे प्रोग्राम थोड़ा सा चलेगा भजन कीर्तन का, जो कि हमारे बच्चा पार्टी गाएगी, वो हम आपको सुनाएंगे। तो चलो चलते हैं अब कीर्तन मंडली के पास। तो ये दर्शक बिल्कुल बैठ गए हैं, हमारे जो कार्यकर्ता है छुटकी, छुटकी की मम्मी, और इधर हमारी दिव्यांशी, और इधर इस साइड है प्राची रावत, अरे आ गए हैं राजवीर रावत, कंगी उंगी लगा के बिल्कुल रेडी हो गए हैं। गांव में पता है गांव में क्या होता था, जिस दिन शिवरात्रि होती थी ना, तो हमारा जो बरिंडा था ना, वहाँ पे सारे मतलब इकट्ठा होके बच्चा पार्टी वो बनाते थे। क्या एक शिवलिंग रखते थे और बीच में वो रखते थे, क्या बोलते नहीं परात रखते थे, उसमें शिवलिंग का स्थापना करते थे शाम को 4-5 बजे। उसको हम बोलते थे धनुली, ऊपर एक ऐसे और लगा देते थे चारों तरफ से बांध के उसका लकड़ी का। सारे जितने के भी फास्ट होते थे उस दिन वहाँ आते थे, जिनका बर्थ होता था 2-4 रोटी लेके, सब्जी लेके और हलवा, इसमें जो बना रखा होता था वो लेके आते थे, और एक एक 2-2 रुपए। फिर हम क्या करते थे, जितने दोस्त लोग होते थे खाना वाना खाते थे और उसको मतलब जो सामग्री होती थी फूल वगैरह उनको चढ़ा देते थे दुकान पे। मैंने भी करा एक बार, फिर हम उसकी मतलब कुछ खा लेते थे टॉफी वगैरह। तो बचपन का मतलब ये तुम लोगों को नहीं बता बेटा, वहाँ बहुत से ऐसे काम होते हैं, बड़ा मजा आता था। तो चलो अब यहाँ पे गाते हैं हम भजन। गणा हो या होली का गणेश आए, मैंने तुम लोगों को नहीं बताया ना चैनल मोनेटाइज हो गया है। तो दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ऐसी मतलब वीडियो देखते रहना, और ये भी बताना कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी है। अच्छी। चैनल मोनेटाइज हो गया ताऊ का। पैसे आएंगे तब खिलाएंगे पार्टी, जब पैसे आएंगे अब जो जैसे वीडियो बनेगी लोग देखेंगे तो पैसे आने स्टार्ट हो जाएंगे बस। और पार्टी पिज्जा पार्टी होगी तब ताऊ क्या खिलाएंगे? खिचड़ी, डोसा। बोली कैसे खाएगी? डोसा तो मैं स्कूल से ले आई।
तो दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर जरूर कीजिए और हाँ बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और बहुत जल्दी नई वीडियो मिलते तब तक के लिए जय श्री राम।